नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नियो मल्टे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में और मेरा नाम है नवीन। तो देखिए दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के इस साल 2024 के ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई करने से पहले आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको वो गलतियां नहीं करनी है जिसके कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि हर भर्ती में कई कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और गलतियां भी करते हैं जिसके कारण से उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपका फॉर्म एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको उन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी वो बातें हैं, उन सभी के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और हाँ, अगर आप केवल घर बैठे अप्लाई करना चाहते हैं अपने मोबाइल फोन से, तो आप कैसे अप्लाई करें आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती के लिए और एसआई की भर्ती के लिए, वो दोनों प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। चाहे आप लैपटॉप से, पीसी से या मोबाइल से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, दोनों प्रक्रिया हम आपको समझाने वाले हैं। अगर आप दूर दराज किसी गांव में रहते हैं, वहां पर आपके पास में कोई भी कंप्यूटर नहीं है, केवल आपके पास मोबाइल फोन है, तो आप अपने इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको देंगे, भर्ती के बारे में भी आपको कुछ जानकारी देंगे कि आप किस जोन से कहां कहां से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है ताकि आप जो है यहां पर सिलेक्शन पा सके। और दोस्तों, अगर आप मान लीजिए किसी भी राज्य में रहते हैं, अगर आप राजस्थान में रहते हैं, महाराष्ट्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो 100% आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर कुछ कैंडिडेट्स के मन में डाउट्स है, वो भी डाउट्स क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी जानकारी हो, वो भी अच्छे से अप्लाई कर सके। और दोस्तों, इसी प्रकार रेलवे भर्ती और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा दे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा करके ऑल कर दे, ताकि रोजाना आपको जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। दोस्तों, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो तो आपको पता ही होगा, tipswarrantpulse.xyz, यहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। आप चाहे तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आरपीएफ की कांस्टेबल और एसआई की भर्ती आ चुकी है, जिसके आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। तो यहां पर आरपीएफ रेलवे की तरफ से, आरआरबी की तरफ से ये भर्ती निकाली जा रही है। आरआरबी इस वैकेंसी को कंडक्ट करा रहा है, जो कि रेलवे प्रोडक्शन फोर्स आरपीएफ की भर्ती है। यहां पर जो वैकेंसी निकाली जा रही है, कांस्टेबल की भर्ती है, 4208 पोस्ट है। वहीं एसआई सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, 452 है। तो यहां पर कांस्टेबल के लिए केवल 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वहीं एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए केवल ग्रेजुएट पास, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। तो यहां पर दोनों ही पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो कांस्टेबल की भर्ती के लिए ज्यादातर कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप मोबाइल से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं टोटल वैकेंसी की, तो 4660 पोस्ट पर ये भर्ती निकाली गई है और इसका अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, केवल ऑनलाइन है, यानी कि ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भर के सबमिट करना होगा इस भर्ती के लिए। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट्स, ठीक है, मेल और फीमेल, यानी कि इस भर्ती के लिए लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती है। ये मान के चलिए 50% जो कोटा है वो फीमेल के लिए होगा, ठीक है, ठीक है, यानी कि 50% मेल के लिए, 50% फीमेल के लिए कोटा यहां पर है। अगर यहां पर है वैकेंसी 4660, तो आप ये मान के चलिए यहां पर 2300 प्लस वैकेंसी जो है मेल के लिए है और 2300 प्लस वैकेंसी जो है फीमेल के लिए, इस प्रकार वैकेंसी को डिवाइड कर रखा है। वही यहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस किस प्रकार रहेगा वो आप थोड़ा सा ध्यान से यहां पर चेकआउट कर लीजिए, ताकि आप तैयारी भी कर सके। अप्लाई तो आप कर ही देंगे, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, आप सिलेक्शन भी पा सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको जो मेहनत करनी है किस प्रकार करनी है, सबसे पहले तो आपको सीबीटी जो बेस आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन टेस्ट, उसकी आपको तैयारी करनी होगी, मेहनत करनी होगी। उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीटी होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फाइनली आपका मेडिकल एग्जाम लिया जाएगा। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मेहनत किसके लिए करनी है, आपको करनी है पीटी के लिए, माफ कीजिएगा सीबीटी के लिए, ठीक है, सीबीटी एग्जाम आपका सबसे पहले लिया जाएगा, तो आपको सीबीटी बेस एग्जाम की तैयारी सबसे पहले करनी होगी। तो यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है, अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये सब्जेक्ट से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। कितने कितने सवाल होंगे, टोटल 120 सवाल है 120 नंबर के,
और वन थर्ड की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वन थर्ड की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो कस सोच समझ के लगाइएगा। यहाँ पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पर सीबीडी बेस एग्जाम में पास हो जाते हैं तो जस्ट पास होते रिजल्ट आते ही आपको यहाँ पर फिजिकल की तैयारी करनी होगी, क्योंकि दोस्तों फिजिकल जो टेस्ट है आपका थोड़ा टफ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो दौड़ है आप देख सकते हैं कितनी दौड़ हो रही है, 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर 1600 मीटर की दौड़ आपको लगानी होगी मेल कैंडिडेट्स को, यानी कि लड़कों को। वही लड़कियों के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी जिसमें 3 मिनट 40 सेकंड का आपको समय मिलेगा। तो यहाँ पर कांस्टेबल की भर्ती की बात की जा रही है, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एसआई दोनों के लिए फिजिकल टेस्ट अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 1600 मीटर है 5 मिनट 45 सेकंड के लिए लड़कों का टाइमिंग है, वही लड़कियों के लिए 3 मिनट 40 सेकंड का समय है 800 मीटर की दौड़ के लिए। लॉन्ग जंप भी हो रही है या हाई जंप भी हो रही है, अलग अलग क्राइटेरिया है दोनों का, मेल फीमेल का। वहीं यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आपकी हाइट लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको ब्रीफ जानकारी दे रहे हैं ताकि अप्लाई करने से पहले आपको इस वैकेंसी के बारे में थोड़ी जानकारी मिल सके, फिर आप अच्छे से अप्लाई कर सके, ठीक है। यहाँ पर सैलरी के बारे में भी जानकारी है और एज लिमिट ध्यान दीजिएगा, एज लिमिट जो है यहाँ पर किस प्रकार है, कम से कम 18 साल मैक्सिमम 28 साल, तो 18 से 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैंने आपको शुरुआत में बताई दी है, 10th 12th और ग्रेजुएट पास सभी के लिए जॉब है। आवेदन जो है इसके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 15 अप्रैल से, तो 15 अप्रैल से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं जो कि 14 मई तक चलेंगे, यानी कि 14 मई तक आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। अप्लाई करने का लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आप जो है सिलेबस को चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ से आप इंग्लिश और हिंदी में नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसमें इंग्लिश का है और हिंदी का भी नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको दिया गया है, दोनों ही नोटिफिकेशन आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये इंग्लिश का नोटिफिकेशन आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से यहाँ पर आरपीएफ का नोटिफिकेशन आ चुका है 02/2024 यहाँ पर है, ठीक है। हर एक पोस्ट का अलग अलग है, जैसे कांस्टेबल का था तो ये एसआई का है, ठीक है, यहाँ पर 01/2024 आरपीएफ का, ठीक है, आप देख सकते हैं ये एसआई का है वो कांस्टेबल का है, तो यहाँ पर दोनों नोटिफिकेशन है, दोनों को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आवेदन कब से कब तक चलेंगे और रात के लगभग 12 बजे तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट आपको कब तक करना है वो भी यहाँ पर जानकारी है और करेक्शन आपको कब करना है वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो करेक्शन जो है आपके 15 मई से 24 मई तक चलेंगे, लगभग 9 से 10 दिन का आपको यहाँ पर समय मिल रहा है, ठीक है, आप करेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्स्टेबल की जो वैकेंसी है लेवल 3 की है, ठीक है, लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिल रही है और 21,700 रुपए पर मंथ सैलरी है और मेडिकल का स्टैंडर्ड क्या है B1 का है, 18 से 28 साल की है इसे। और ध्यान दीजिएगा 1 जुलाई 2024 के अनुसार आपकी एज जो है कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल तक की होनी चाहिए, ठीक है। टोटल वैकेंसी 4208 है, ठीक है, ये तो बात होगी सारी। अब आपको बता देते हैं अप्लाई कैसे करना है, लेकिन अप्लाई करने से पहले दोस्तों यहाँ पर आपको अप्लाई करने का सेक्शन मिल जाएगा जिसे आप चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अप्लाई करने को लेकर के सारी जानकारी दे रखी, जैसा कि एप्लीकेशन फीस किस प्रकार जमा करानी है, जनरल ओबीसी को 500 रुपए जमा करानी है, एससी एसटी को 250 रुपए फीस जमा करानी है, फीमेल यानी कि लड़कियों को भी 250 रुपए जमा कराने हैं, अगर आप फीमेल हैं जनरल ओबीसी की तब भी आपको 250 रुपए जमा कराने हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सभी कैटेगरी की जो लड़कियां हैं उनके लिए 250 रुपए फीस है। पेमेंट का मोड किस प्रकार रहेगा वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है, वेरिफिकेशन किस प्रकार आपको करना है सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। दोस्तों यहाँ पर आपको अप्लाई करने का कुछ प्रोसेस बता रखा है, कैसे आपको अप्लाई करना है, गाइडेंस आपको यहाँ पर दे रखी है, तो अप्लाई करने से पहले इसे चेकआउट कीजिएगा। अब अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा वो आपको थोड़ा समझा देते हैं ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सके। तो अगर आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, पीसी से, कहीं से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको हमारी वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा नोटिफिकेशन के लिंक के ऊपर, तो यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज आ जाएगा, आपको यहाँ पर पुराने पेज को क्लोज करना होगा तभी आपके सामने नया पेज आएगा। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं ऑनलाइन पोर्टल पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट जो अपडेट है, यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी के आवेदन मांगे जा रहे हैं, दो लिंक यहाँ पर है 15 अप्रैल से जिसके आवेदन शुरू किए गए हैं, ठीक है, थीके? तो यहाँ पर 14 मई तक आप रात के 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है। अगर दोस्तों आप कांस्टेबल की भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप इसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से नोटिफिकेशन आ जाएगा और यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से तो आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, अप्लाई करने का बटन ये रहा, यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है। अगर आपने अकाउंट बना रखा है ऑलरेडी तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, अगर आप पहली बार अकाउंट बना रहे हैं
तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। अब ये आ गया आपके सामने ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑनलाइन फॉर्म है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, गलती नहीं करनी है। एक बार अगर आपने ये फॉर्म भर दिया तो आगे आने वाली सभी भर्तियों के लिए आपका यही फॉर्म जो है मान्य रहेगा, इसमें आप करेक्शन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे नेशनलिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपसे कुछ जानकारी मांगी जा रही है जो कि आपको किसके अकॉर्डिंग देनी है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक गलती नहीं करनी है, वो ध्यान दीजिएगा वो गलती क्या नहीं करनी है। यहाँ पर रेड कलर से कुछ लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िएगा, एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन 10th क्लास सर्टिफिकेट मार्क लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपकी दसवीं की मार्कशीट आपके पास है, जब आप अप्लाई कर रहे हैं, जो आप मार्कशीट लेके बैठे हैं, तो यहाँ पर जो दसवीं की मार्कशीट है उसमें जो आपकी जानकारी लिखी है, जैसा कि आपका पूरा नाम, यहाँ पर आपका नाम पूछा जा रहा है, तो वही नाम आपको देना है जो दसवीं की मार्कशीट में है। यहाँ पर आप सकते हैं ग्रे कलर में आपको यहाँ पर हाईलाइट भी हो रहा है, तो आपकी दसवीं की मार्कशीट में जो आपका नाम है वही देना है, ठीक है। और फुल टाइम यानी कि फुल टाइप आपको करना है, यहाँ पर फिर से आपको जो आपका नाम यहाँ पर लिखा है वही आपको यहाँ पर रिटाइप करना है, ठीक है। तो आपको वापस से नाम लिखना है। और यहाँ पर एक और चीज पूछी जा रही है, दसवीं की मार्कशीट में मान लीजिए आपका नाम जो भी है, उसके बाद आपने बारहवीं क्लास में या ग्रेजुएट में आपने आपका नाम चेंज करा लिया है, या बाद में आपने पढ़ाई नहीं की फिर भी आपने नाम चेंज करा लिया, तो अगर आपने कराया है तो ये इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने जो नाम चेंज कराया है वो नाम आपको डालना होगा, और अगर आपने नहीं कराया है तो इसको छोड़ दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा नो पे, ठीक है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर देनी होगी, वही देनी है जो दसवीं की मार्कशीट में है। ध्यान दीजिए यही गलतियां बार बार सभी कैंडिडेट्स करते हैं, उसके बाद उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और फिर से रीटाइप करनी है आपकी डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद में आपका जेंडर जो है सिलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, उसके बाद आपको रीसिलेक्ट करना है, फिर से आपको जेंडर आपका टाइप करना है। पिताजी का नाम फादर नेम आपसे पूछा जा रहा है वही देना है जो दसवीं की मार्कशीट में आपके हैं, आपकी माताजी का नाम भी वही देना है, ठीक है, और दोबारा से आपको रिटाइप करना है। तो इस प्रकार आपको जो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है कि यहाँ पर आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड जो है ओटीपी से वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो अभी के अभी अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये नहीं कराया तो आपका फॉर्म जो है आगे प्रोसीड नहीं होगा, आपके पास ओटीपी नहीं आएगा, आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा बार बार बोल रहा हूँ, आधार कार्ड यहाँ पर मस्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया पिछले वीडियो में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, तो आधार कार्ड ही शुरुआत में मांग रहे हैं। उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर चाहिए, जिसको आपको ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको कंप्लीट करना है, एक तो आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये तीनों कंपलसरी है जो आपके पास होने चाहिए, जिसको आपसे ओटीपी से वेरीफाइड करना है। ये वेरीफाइड होंगे उसके बाद ही आप यहाँ पर आगे प्रोसीड कर सकते हैं, फॉर्म को आगे भर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने ये स्टेप नहीं किया है कंप्लीट, तो जल्द से जल्द पहले कंप्लीट कर लीजिए। अपना एक तो मोबाइल नंबर खुद का रख लीजिए, और उसके बाद ईमेल आईडी बना लीजिए, और आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक कर दीजिए, ताकि वो ओटीपी से वेरीफाइड हो सके, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये गलती आपको नहीं करनी, बस ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट गलतियां थी, जो अगर आप नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, जो कि सब बच्चे करते हैं लगभग, और उसका आंसर का फॉर्म आगे भर नहीं पाते हैं और फॉर्म जो है रिजेक्ट भी हो जाता है, ठीक है, तो गलती नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड खुद को क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ बातें बता रखी है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं कॉम्बिनेशन नंबर रखना है, कैपिटल लेटर का, स्मॉल लेटर का, स्पेशल कैरेक्टर का और नंबर्स का, ठीक है, ये चार पांच जो है आपको कॉम्बिनेशन रखने होंगे। और पासवर्ड आपको कंफर्म भी करना है, कैप्चा को टाइप करना है, सबमिट करना है, सेव और नेक्स्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप आगे चलकर के जो है आपकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। फोटोग्राफ बिल्कुल साफ होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से क्लोजअप के साथ होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो सिग्नेचर होनी चाहिए वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिखते हुए होनी चाहिए। अगर आपकी दो डॉक्यूमेंट सही है तो ठीक है। उसके बाद आपसे आपकी नेशनलिटी के बारे में पूछा जाएगा, आपकी कास्ट कैटेगरी के बारे में पूछा जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, वो आपको स्टेप बाय स्टेप भरना होगा, कहां से आपने पास आउट की है, कौन से सर में आपने पास आउट की है, वही जानकारी देनी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। आप बिल्कुल भी जानकारी थोड़ी सी भी गलती मत कीजिएगा, ऊपर नीचे मत कीजिएगा, अगर अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अगर आपने छोटी सी छोटी गलती कर दी तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ये फॉर्म भर लिया है तो उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते समय ध्यान दीजिएगा, अगर आपने यहाँ पर आपका आईडी भूल जाते हैं तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप जो है आपका जो पासवर्ड है वो आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, पासवर्ड भूल जाते हैं तो ठीक है, आईडी भूलने पर भी आप रिकवर कर सकते हैं, लेकिन आपको आईडी रिकवर हो जाएगा आपके मोबाइल से या ईमेल से, लेकिन अगर आप पासवर्ड भूलते हैं तो वो आप रिकवर कर सकते हैं आपके मोबाइल और ईमेल आईडी से, ठीक है।
तो इस प्रकार आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट्स इस घटती को लेकर के तो आप कमेंट कर सकते हैं, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।